हरमिंदर साहब अमृतसर स्वर्ण मंदिर। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज की वीडियो। किसान भाइयों आज हम आपसे खेती के बारे में कोई बात करने वाले नहीं है, आज हम बात करेंगे हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर के बारे में। आप देख रहे हैं पीछे मंदिर है और जो मेन चीज़ है यहाँ के बारे में उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो आप सामने बैर का पेड़ देख रहे हैं, बैर का पेड़ ये 1506 ईस्वी का बना हुआ का ये बैर का पेड़ है। आज भी इसमें वही लौलीनियत है जो ये 10-15 साल के बैर के पेड़ में होती है। किसान भाइयों अमृतसर का स्वर्ण मंदिर अभी हम आपको पूरा नज़ारा यहाँ का दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको जलियांवाला बाग दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको वाघा बॉर्डर दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे माता वैष्णो देवी के मंदिर कटरा जम्मू। तो किसान भाइयों अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहें। जब हम लौट के अपने फिर गांव आएंगे तो फिर आपको खेती किसानी जुड़ी जानकारी देना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, पार्ट वन पार्ट टू में ये सारी जानकारी आने वाली है, ये सब आप देखते रहिए। हरमिंदर साहब अमृतसर स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, अकाल तख्त, दसों गुरुओं का तेज पुण्य प्रताप इसमें सम्मिलित है। बहुत बड़ा एक अमृत कुंड है, उसी कुंड के बीच में ये मंदिर स्थापित है। यहाँ पर सुंदर सुंदर मछलियाँ मन को मोह लेती हैं। ये चारों तरफ परिक्रमा मार्ग है, बहुत ही साफ सफाई और स्वच्छता रखी जाती है। यहाँ पर दिन में 3 बार इसकी सफाई होती है। टाट की यहाँ पर पट्टी बिछी हुई है, किसी के पैर में जो है धूप न लगे, पैर जले ना। यहाँ के शेरे हिंद राजा रंजीत सिंह जो 128 किलो की तलवार चलाते थे, उन्होंने सपना देखा था कि हम जो है इसको सोने की परत से इसको मिढ़वाएं इस मंदिर को, और उन्होंने अपना सपना पूरा किया और स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब को स्वर्ण मंदिर में तब्दील कर दिया। तो आइए दर्शन की लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं। ये स्वर्ण मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा है, छत है, और ये छत का सबसे ऊपरी गुंबद है, ये भी सोने से जो है इस सोने की परत इस पे चढ़ी हुई है। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हैं, तो कुछ लोग जा रहे थे तो हम भी यहाँ पे चले गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, वो नीचे से ही चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं अपना शांति से ध्यान करते हैं। अभी जो यहाँ पे स्नान करके उसके बाद प्रसाद लेके प्रसाद चढ़ा के दर्शन करके हम और हमारी पूरी टीम अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लंगर खाने जा रहे हैं। वहाँ लंगर खाने चल रहे हैं, वहाँ का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या कैसे क्या नज़ारा है। यहाँ पे बहुत ही दिव्यता है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, तो सब कुछ आप देखते रहिए। अगर कभी भी हरमिंदर साहब आप आइए तो यहाँ की लंगर ज़रूर खाइए। संगत आती है, संगत लंगर खाती है। लगभग जो है 1-2 लाख लोग रोज़ यहाँ पे खाते हैं। यहाँ पे जैसे आप जो है संगत के पास लंगर खाने के लिए जाएंगे तो आपको थाली चम्मच और कटोरियाँ मिल जाएगा। उसको लेके जब आप प्रांगण में अंदर जाएंगे तो यहाँ पे वीडियो बनाने का अलाउ नहीं है, लेकिन हमने बहुत चुपके से वीडियो बना ली। तो कुछ लोग बैठते रहते हैं, कुछ लोग खाते रहते हैं, कुछ लोग उठते रहते हैं, निरंतरता ये बनी रहती है और यही चलता रहता है। और यहाँ पे सेवादार हैं, सेवा करते रहते हैं, किसी चीज़ की कोई जो है कमी नहीं लगती। जैसे हम बैठते बैठे तुरंत जो है हमारे पास जो है प्रसाद आ गया, प्रसाद में रोटी खीर और दाल मखनी और कढ़ी
यही सब मिलता है यहाँ पे। चावल नहीं देते, चावल के रूप में खीर परोसते हैं। तो लाखों लोग यहाँ पे खाते हैं। हरमिंदर साहब आइए तो आप ज़रूर खाइए। हाँ, इसके बाद हमारी दूसरी वीडियो आ रही है जलियावाला बाग, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत